वही 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 ठीक आ जाओ कैसे कटा है एक साल किसानों का इसमें एक साल का बड़ा हो रहा कुछ हमारे साथी हुए कुछ जानने को मिला नहीं बना लिया इतनी वो हुई बात थी इतने उतार चढ़ाव आए एक खट्टा मीठा अनुभव हुआ एक साल का बड़ी अच्छी जान पहचान हुई वेस्ट यूपी में भारतीय किसान यूनियन की तरफ को सब देख रहे हैं। जैसे चौधरी साहब इशारा करा कर रहे थे 1991 में उन्होंने कहा था राम और उनका नाम लेकर वोट दे दो भाई, तो भाजपा सत्ता में आ गई थी। वीपी सिंह को भी थोड़ा उन्होंने समर्थन करा था, तो अप्रत्यक्ष समर्थन तो आपका रहेगा ही किसी न किसी को, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। वैसे भाजपा को नुकसान है और नहीं कुछ हो कह सकते क्या होगी बातचीत, पर भाजपा को किसान बोलन तो एक साल का बड़ा लंबा अरसा, एक साल का लंबा अरसा खींचना, हमारे 750-750 किसान शहीद भी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं किसानों के प्रति सहानुभूति तो लोगों को है और इसका सुधा फर्क तो इस पर तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने जो वापस, खैर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़े, ऐसी तो बात नहीं। वो जो लकीर खींची हुई थी वो थोड़ी सी मिटाने की कोशिश करी नहीं, मैं वे दो शब्द उनके प्रति भी कहे। अच्छा, जो जिनकी डेथ हुई जो शहीद हो गए इसमें वो सब उनके प्रति भी कहना चाहता हूँ जी, और अच्छा लगता और एक नजदीक है बढ़ती प्रधानमंत्री मांगे, हम भी चाहते भाई प्रधानमंत्री माफी मांगे, ऐसे नहीं हो प्रधानमंत्री का सर ऊंचा रहना चाह और उसके साथ साथ किसानों का भी सर ना झुकाए, उनका सम्मान बना रहे, उनका सम्मान बना रहे तो ठीक रहे, अच्छी रहे बातचीत। किसान ऐसे नहीं है, किसान जैसा किसानों के साथ में जो बर्ताव हो रहा किसान ऐसे नहीं है। हाँ, 300 दिन तक बात ही नहीं करी है? नहीं है तो वैसे संयुक्त मोर्चा कोई राइट और फिर भी फैसला हो तो अच्छी बात है। आपने तो वैसे एक तरह से अगर राकेश टिकैत वाला प्रकरण ना हो तो 28 में वापिस ही ले गया था, 28 जनवरी में एक बार को घोषणा बुला के आपने करी दी थी, फिर दोबारा वो करना पड़ा दोबारा, उस दिन दो दो आपात बैठक बुलाई गई किसान सरकार ने, किसानों पर दबाव बनाया था, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, आदमी आने जाने वाले हमने बंद कर दिए, तो फिर हमने ये सोचा भाई क्यों इस मौके पर करना ठीक है, तो एकदम कॉलेज जो है वो उसके आगे टिकेत विहार में कमल मित्तल एडवोकेट है, उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस है जो प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने जो एक शुरुआत करी एक पहल करी और सराहनीय कदम है उनका, और भी गौर होते तो और भी बढ़िया। आपकी राय में अगर ये मोदी जी किसान संगठनों से वार्ता करने के बाद इन्हें वापस लेते तो आंदोलन खत्म भी हो सके था, क्योंकि बातचीत का माहौल बनता थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने सिद्धि एकदम करने का मौका मिला, किसानों की कितनी कदर है, इनके मन में किसानों का कितना सम्मान है, जो जो शहरी आदमी है पढ़े लिखे है हमें ग्राम्य आदमी को देहात में किस नज़रिया तक देखे, हमने यू भी
अनुभव करा। नहीं वो तो जनता जाना है, हमने तो जो कुछ जो मन की बात थी हमने कह दी थी उस दौरान में। क्या लगता है आंदोलन और कितना लंबा खींचेगा? नहीं देखो जो सरकार चाहेगी तो बातचीत हो जाएगी, अब नहीं चाहेगी तो आंदोलन तो चल रहेगा। वो तो संयुक्त मोर्चे को है राइट, उन्हें 40 संगठन है वैसे, ये थोड़ा ही बात है उसमें उठ के चले जाओ। सरकार विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में लग गई है, यही मकसद शायद रहा कि किसानों को उठाने का प्रयास किया गया, तो चुनाव क्या लगता है चुनाव कहाँ जाएगा? चुनाव के बारे में हम क्या कह सकते, वैसे भाजपा को नुकसान रहेगा। अगर भारतीय किसान यूनियन को कहा जाए कि किस दल को सपोर्ट करेगा तो किसान यूनियन? नहीं नहीं हम नहीं भी, हम तो इस बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। आपके परिवार से कोई चुनाव लड़े? नहीं कोई नहीं लड़ता, कोई नहीं लड़ता चुनाव। सब एक संगठन है हिंदू मजदूर किसान समिति, वे कह रहे हैं कि इसमें किसानों की नहीं राजनीतिज्ञों की जीत होगी। चलो वो तो अपनी सोच है, कुछ नहीं इसमें तो है बात, ना एक कहावत है ना तुम जीते ना हमारे, दोनों की बराबर ही रहे बात रहेगी। किसानों को भी, किसानों का भी हक था, एक साल तक किसान बैठे थे और प्रधानमंत्री की भी हम उन्हें कहते चलो बहुत बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, हम उनकी भी बात नहीं तो इसे कुल मिला के यही कही जाएगा ना तुम जीते ना हमारे। किसान आंदोलन को एक साल पूरा हो रहा है जी, किसान अभी भी वहाँ बैठे हैं, भले ही प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी हो कृषि बिल वापस लेने की, तो क्या कहेंगे आप? नहीं एक तो बताओ भाई, सालू का आंदोलन घंटों में थोड़ा ही सिमट जाएगा, बातचीत होगी, सुलह मशवरा होगा, वैसे एक शुरुआत होगी, एक पहल होगी कि भाई एक मामला निपटन की बात होगी, पर इतनी जल्दी थोड़ा ही है, बातचीत है, मुद्दे है, काफ़ी मुद्दे है, मुकदमे भी है, सारी वो है बातचीत में थोड़ा ही है। आंदोलन को इस तरह से किसानों को किसके भरोसे छोड़ दे, 2.5 लाख आदमियों को मुकदमे भी है। जिस तरह कहा जा रहा था शुरू में कि भाई चंद लोगों के इकट्ठा होने से आंदोलन जो है बिल वापसी नहीं होते, तो अब वापसी हो गए तो अब वे लोग क्या? चलो तो अपनी किस नजरिए तो सोचे आदमी तो उसकी अलग बात है, वैसे तो कितने कितने शब्द तो नवाजा गया है किसानों को, सब सब सुन रहे साल भर तक सुनते आ रहे, और चलो किसानों का तो फिर भी बहुत बड़ा दिल है, ऐसी बात नहीं, एक समझदारी है इनकी, गलत सलत नहीं है कुछ, वो कहते फिर भी हंस कर टाल दे, पर ऐसी थोड़ा ये बात, किसान इस लायक थोड़ा ही है जिस तरह से नहीं वो कर जा आदमी काम धंधा छोड़ कर एक साल हो लिया वहाँ से पड़े, किस तरह की बात है, किस तरह से गर्मी जाडा बरसात, तो सारी बात देखनी चाहिए। हम तो यही कहे मिल बैठ कर बात चाह होनी, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है स्टेट टू में भी है, जो किसानों की समस्या ऐसे आंदोलन को जबरदस्ती तो थोड़ा ही दबाया जा सके, आंदोलन की बात करें क्या दिक्कत है। ये भी 29 जनवरी को एक पंचायत हुई थी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पे, नापाक पंचायत थी, उसमें भीड़ भी बहुत आई थी, भीड़ के सामने आपने कहा था कि भाई हम माफी मांगते हैं जिस चीज की हालत है। नहीं माफी कद का आपने करते हैं? नहीं नहीं माफी सब तो हमारे शब्द कोश में है, ये नहीं हमने हम हमने यहाँ कहा अब हमने भूल करी, भूल अजीत सिंह को हरवा के इस तो फालतू नहीं, और हमने कुछ अब आप क्या उसका प्रायश्चित करते हुए जयंत को जितवाएंगे? नहीं वो तो जनता जाना है, हमने तो जो कुछ जो मन की बात थी हमने कह दी थी उस दौरान में। क्या लगता है आंदोलन और कितना लंबा खींचेगा? नहीं देखो जो सरकार चाहेगी तो बातचीत हो जाएगी, पर नहीं।